के ही लोग मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और बातचीत करने के लिए वो तमाम जनता जिसका मुद्दा आज आपके साथ है, और मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार, और वो कंपनियां जिनको लेकर तमाम सारी बातें हो रही हैं, वो कंपनियां जिनको डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर तमाम सारी चर्चा है, उन तमाम सारे मुद्दों को लेकर एक बार मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी सर, मेरा सरकार, मेरा क्वेश्चन मोदी सरकार से है सर। मोदी जी मन की बात करते हैं कभी, युवाओं के मन की बात कर लिया करें सर। मैं यहाँ पर 35,000 की दिल्ली में नौकरी करता था एमआर की सर, यहाँ यूपी में वैकेंसी लेकर 70,000 उसे छोड़ के मैं वहाँ गया तैयारी करने के लिए सर। आज पूरा 1.5 साल हो गया सर, जो पैसा मैंने इकट्ठे किया तैयारी में लगा दिया सर। मेरे टैट में 120 नंबर है, सुपर टैट में 105 नंबर है सर। सर मेरी गलती क्या है? मेरी गलती ये है, आज 20 तारीख है सर, 20 नवंबर को 21वीं तारीख थी आज, और अब फिर भी हमें 26 तारीख मिली। आखिर ये खेल कब तक चलेगा? तारीख पर तारीख, तारीख तारीख, यार इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ कब मिलेगा? फिर भी मिली 26 नवंबर की तारीख। मैं क्या करूं ये बताएं आप। है भाई, तारीख पर तारीख। और सर मैं आज इंटरव्यू देने गया, मेरे पास ये कागज सर, इंटरव्यू देने गया। मुझे मालूम है तुम आज इंटरव्यू देने गए, मालूम है? पूछो कैसे। हाँ, तुम प्राइवेट इंटरव्यू में देने गए, वो ऐसे पता कि तुम्हारी टाई जो है इसी में रखी हुई है। भाई रखी, दिखाओ 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 दिखाओ। भैया जी की आंखें अगर ना हुई तो सब सब बेकार है। इतनी देर लग गई अगर पहचानने में तो समझो फिर शो करना बेकार। मेरा उस्ताद मालूम कौन था? मुझसे लोग पूछते, मैं आता हूँ तुम्हारे ही खेल पे आता हूँ, तुम्हारी बात करनी है आज, सवा घंटे इसी पे बात है आज। और कोई हिंदू मुसलमान नहीं होगा आज, और किसी ने अगर की, कोई हिंदू मुसलमान मस्जिद, औरतों को वहां जाना है, औरतों को यहां आना है, कोई किसी ने किया तो उसकी जबान खींच के हाथ में ही दूंगा। हाँ मैं आ गया, मैं आ गया उसी मुद्दे पे, उसी मुद्दे पे, उसी, हाँ उसी पे बात होगी, बिल्कुल उसी पे बात होगी। मुझे किसी ने कहा, मैं बता रहा था ना कि कैसे पता चल जाता है, ये बात सच है कि मैं पत्रकार नहीं बनना चाहता, तो मैं पत्रकार हूं भी नहीं। पत्रकार तो बड़े बड़े लोग होते हैं जो स्टूडियो में बैठते हैं, मैं तो भैया जी हूं, सही कहा? हाँ, और मैं बात बताऊं, जो पत्रकार हैं वो बड़े बड़े स्टूडियो में, बड़े बड़े वातानुकूलित सब जगह में बैठते हैं, मैं तो आप जैसा ही इंसान हूं। और मेरा उस्ताद गुरु मदारी ही था, और मुझे मदारी कहने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जी जी हकीकत है ये, कोई बड़ा है कोई छोटा है सभी वही, सबके हाथ में जेब में एक एक कबूतर है, सब लोग कबूतर उड़ा रहे हैं, देखो वो गया कबूतर, इधर से कबूतर डाला, इधर से रूमाल निकाला, सबके पास खेल है, सबके पास जादू है, तो मुझे क्या कहने में कौन सी हर्ज है। हाँ मैंने इसलिए मैं तुम्हारी बात सुनने आऊंगा। जी कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से क्या काम करती हैं आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। सोशल वर्कर है, अंदर आ जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए, इनको अंदर आगे रह दीजिए, आप जैसे लोगों की जरूरत पड़ती है। जी आगे आइए, मैं आया आपके पास आया। जी हुजूर आली बोलो। सर मैं इंटरव्यू देने गया, उनने मुझसे क्वेश्चन पूछा आपने जॉब को छोड़ी, मैंने कहा यूपी में भर्ती निकली है उसकी तैयारी करने गया था मैं इसलिए, बोले फिर हम आज हम आपके लिए सेलेक्ट कर देंगे, कल आपको फिर जब आपकी भर्ती की टाइम आ जाएगा आप चले जाएंगे तो हम आपको सेलेक्ट क्यों करें? सर बताइए अब क्या करें, हम वहां भी नौकरी में नहीं मिल रही, यहाँ से जो पैसा कमाया था वो खर्च हो गया, सर क्या करें बताइए सर। जी कुछ तो जवाब दीजिए, क्या करें हम? देंगे देंगे जवाब देंगे। जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, यही है हकीकत। जी हमारे लीलाएं, मैं समझ गया था बहुत देर से मेरे लीलाएं। सर ये एसके केसवानी प्रयागराज से आए हैं, आज हाँ? का यह 50वां लाइव प्रोग्राम, इसके लिए आपको हम गुफा देने। वाह 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 वाह, क्या साहब। देखो बाकी तो मेरे पास कुछ है नहीं, मैंने कहा था मैं कबूतर उड़ाऊंगा और कहीं से रुमाल निकालूंगा, ले बेटा रुमाल निकाल दिया, यही है चमत्कार मेरे पास। तेरे चेहरे पे कुछ देर ही सही, तेरे चेहरे पे कुछ देर ही सही, ये मुस्कान मुझे बहुत हौसला देती है। तेरे आंखों में आंसू हैं मुझे मालूम है,
पूछ दो आंसू नौजवान। हाँ, और ये गुलाब थोड़ी देर जितनी देर तक ये इसमें पंखुड़ियां इसकी ताजा हैं तब तक तुम्हें हौसला देगी और तुम्हारी मुस्कान मुझे हौसला देगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिन